हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक वापस से नए वीडियो में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं भाई। और रात को देखो हम यहीं पे टेंट लगाते हैं और इतनी अच्छी लोकेशन है भाई, क्या ही बताऊँ आपको। तो देखो एक टेंट तो इधर लगा है दीपक भाई का और मेरा। इधर लगा था दीपक भाई का, इसका क्या बोलते बसंत का, इसने अभी क्लोज कर दिया। और भाई इधर व्यू देखो यार, क्या बताऊँ यार, कितनी मस्त लोकेशन है। तो देखो पूरा तवांग दिख रहा है यहाँ से, वो बड़े बड़े खतरनाक पहाड़। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पे, हमने जुगाड़ बनाया पूरा। तो देखो नीचे मतलब पूरा गंदा था, तो पूरा ये बोरी बोलते इसको डाल के रखा बहुत सारी। और इधर पास में ही है मॉनेस्ट्री, ये पीछे बड़ा मॉनेस्ट्री है, ये बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है और पुराना भी है। ये वर्ल्ड का सेकंड मॉनेस्ट्री है, इतना बड़ा मॉनेस्ट्री है। कल इसी को घूम के हम यहाँ रुक गए थे, और पुराना भी बहुत है ये मॉनेस्ट्री। यहीं हमने जगह देख ली थी क्योंकि लोकल लोगों से पूछते हैं, मिलते हैं तो वो लोग जगह दे देते हैं। तो आज हम यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं कहीं और घूमने के लिए। और नज़ारा देखो भाई आप। तो फाइनली काफ़ी देर के बाद आ चुके हैं हम बुद्ध स्टैचू, जो कि बता दें इतना हाइजेस्ट है ये अरुणाचल और तवांग का। आप तवांग आओगे ना तो कहीं से भी ये दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर आप तवांग आ रहा है और ये बुद्धिस्ट स्टैचू नहीं देखा तो क्या ही देखा आपने। यहाँ दो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, एक मॉनेस्ट्री जो कि आपको बता दें 300 साल पुरानी, बहुत पुरानी है, और एक जो बुद्धिस्ट स्टैचू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखें। और मौसम की क्या ही बताएं, यहाँ पर कितना ठंडा ठंडा मौसम है। वैसे इस जगह का नाम बुद्ध पार्क के नाम से जाते हैं, बुद्ध पार्क। और यहाँ पर देखो सामने हैशटैग भी लगा है आई लव तवांग, यहाँ पे फोटो सेल्फी क्लिक करवा सकते हैं। और रही मॉनेस्ट्री आपको बता दें, वहीं से अभी हम आए हैं, वहीं कैंपिंग किए थे हम, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बहुत मस्त लग रहा है। और इधर अपने देश का तिरंगा भी लगा हुआ है ऊपर। और मुझे इस पार्क में एक चीज़ दिखाई दी है, देखो यहाँ पे लिखा है कंट्री नेम, लासा यहाँ से 200 किलोमीटर और पेरिस 7699 किलोमीटर और न्यूयॉर्क 12274 किलोमीटर। तो आप यहाँ से, और डायरेक्शन भी दिया गया है किधर किधर है, आप यहाँ से हवाई मार्ग से इन कंट्रियों में आप जा सकते हो यहाँ से। और इधर भी है, आपको दिखाते हैं बैंकॉक यहाँ से 2629 किलोमीटर, और स्वीडन, स्वीडन है यहाँ से 9254 किलोमीटर, और न्यूयॉर्क 8774। तो आप यहाँ से जा सकते हो हवाई मार्ग से। और यहाँ का मौसम भी अभी ख़राब हो गया है, मान लो भाई बारिश आने वाला है। तो हम हथियार सामने रखे, बस निकालते हैं अपने और चलते हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बार मेमोरियल, और यहाँ का मौसम भी खतरनाक हो गया, बारिश आने वाली है। देखते हैं अपना छतरी है ही अपने पास, क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा है, सूरज तो सुबह दिखाई देता है। निकाल कातिया, निकाल छतरी आ रही है, मतलब बारिश आ रही है। नहीं छतरी आ रही है, निकालो खोलो हथियार, निकालो गाइस अपना अपना हथियार निकालो। अच्छा होगा तीनों ने ले लिया, क्योंकि भीग जाते वास्तव में, भीग जाते हथियार। चालू अपना, चलो मिलते हैं। तो फाइनली काफ़ी देर के बाद हम आ चुके हैं बार मेमोरियल। तो ये रहा हमारे सामने बार मेमोरियल। और ये आपको बता दें, जब 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था ना, तो जब उसमें जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे ना, तो उनकी याद में यहाँ पे ये बार मेमोरियल बनाया गया। यहाँ पे जो भी शहीद हुए थे तो उनके यहाँ पे स्टैचू बना है, उनके बारे में बताया गया। और यहाँ पे काफ़ी बुद्धिस्ट स्टैचू से, धर्म से मतलब यहाँ पे कलाकृति देखने को मिलेंगी बहुत सारी। तो और अभी हम आपको बताते हैं, जब दुश्मन से लड़ाई होती है तो हमारे देश के जवान कैसे उनसे सामना करते हैं बंदूक से, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जवान है कैसे दुश्मन से लड़ते हैं बंदूक से। हम भी अभी AK-47 चलाते हैं, गोली लग गई। चाइना के कितने बड़े
300 ज़्यादा नहीं मारे, चलो। तो फाइनली इस तरफ सभी हमारे जो देश के जवान थे सन 1962 में चाइना युद्ध हुआ था, तो उस लड़ाई में ये सभी लोग मतलब शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में ये बना हुआ है यहाँ पर, और इनके बारे में पूरा लिखा हुआ हुआ है। इनका नाम है हवलदार गोविंद कांबले, इनको अवार्ड भी मिला था वीर चक्र महार रेजिमेंट, पूरा लिखा हुआ यहाँ पे। ऐसे 18 जवान हैं जो 1962 में चीन युद्ध में शहीद हो गए थे, और यहाँ पे भी हैं। इनका नाम नायक चैन सिंह महावीर चक्र पंजाब रेजिमेंट, इनको भी अवार्ड मिला था यहाँ पे। ये पूरे मतलब 1962 के जो शहीद हो गए थे उनकी याद में यहाँ पे जो स्टैचू बनी है सबके नाम लिखे हुए हैं, कैप्टन गुरचरण सिंह भाटिया वीर चक्र, ये देख सकते हैं आप। सेकंड लेफ्टिनेंट गोपाल कृष्ण वेंकटेश्वर प्रसन्न राव महावीर चक्र, इनको मिला था। मतलब यहाँ पे इतने सभी लोग बने हुए हैं, सूबेदार भाव बहादुर कटवाल वीर चक्र गोरखा राइफल्स, पता है सबके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, कैप्टन आर डी रोशन। तो मैं सभी को अपनी तरफ से जय हिंद बोलूँगा जो कि हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए चीन की लड़ाई में। जैसे एंट्री करते हुए यहाँ पर दिख जाएगी राइफल रखी हुई और उसके ऊपर टोपी, और जो शहीदों की याद में यहाँ पर ज्योति भी जल रही है, हमेशा हर दिन शायद जलती रहेगी ये ज्योति जी, जो कि शहीद हुए उनकी याद में हमेशा वो चलते अंदर। तो जो हमारी देश की सेवा करते करते जो हमारी देश के लिए शहीद होगा, तो उन सबको जय हिंद सर। तो भाई साहब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये पूरा दिख रहा है 1962 में ऐसे युद्ध हुआ था, ऐसे लोग मतलब लड़ाई चल रही थी, और यहाँ पे देखिए सर, और इधर देखो इधर बंदूक रखी है, जो आपको बता दें ओरिजिनल बंदूक है, चाइनीज बंदूक है। और इधर ये देखिए, ये है अवार्ड परमवीर चक्र, ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई, इधर भी अवार्ड है, और एक बंदूक इधर, एक गन है जो कि आपको बता दें ये रियल गन है, 1962 में जिससे ये डूबा था ना उसी में, कोई आपने देखा ये वही मोनेस्ट्री है जो हमने आपको पिछली वीडियो में देखा, ये 1962 में ऐसा तमाम दिखता था, और ये मोनेस्ट्री है, और आपको बता दें वर्ल्ड की सेकंड मोनेस्ट्री है, और इधर भी अवार्ड है, और इधर सब ये तमाम है पूरा 1962 में ऐसा दिखता था। और भाई ये बंदूक इधर रखी है, जो आपको बता दें पूरी रियल बंदूक है जो 1962 में चाइना युद्ध में यूज की गई थी, ये देखो कैसे दिख रही है बंदूक। तो अभी हम आ गए दूसरे सेक्टर, जिम थिंग सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर है। तो इधर सिस्टर, तो इधर देखिए जो 1962 में जो हमारे देश के जवान आर्मी जो टोपी लगाते थे अपने सिर में, ये 1962 की उन्हीं की टोपी है, देखिए ये बंदूक के निशान भी बने हैं उन टोपी में, ऐसे बंदूक का निशान किया गया भाई। और ये उनकी पानी की बोतल, इस पानी पीने में यूज करते थे वो बोतल है जो 1962 की, इस पर लिखा भी गया है वाटर बोतल। और ये टिपन है, मैश टिपन, ये ऐसे टिपन हुआ करते थे, इसमें खाना खाया करते थे पहले। और इधर राइफल, राइफल बोल्ट एक्शन, और देखिए इधर भी टोपी रखा हुआ, ये देखो क्या हालात है इन टोपियों की, 1962 की अभी रखी। इधर पूरा नक्शा बना हुआ है चाइना इंडिया भूटान, और इधर भी राइफल है, ये ओरिजिनल राइफल है 1962 में, इनको यूज किया था हमारे देश के जवान जो है चाइना युद्ध में, उनकी काफ़ी तस्वीरें लगी हुई हैं 1962 की। और इधर देखिए इधर भी टोपी रखी है, देखो क्या हाल हुआ, गोलियों से छेद दी पूरी टोपी। और इधर रखे हैं ये रॉन्ड, इसको बोलते हैं बारूद, और ये पूरा ईजुस वाला है, और ये पूरा भरा हुआ रखा हुआ है। और इधर देखो टोपी, क्या हाल हो गया, वाह ये है जिम थिंग सेक्टर पूरा नक्शा लेकिन पूरा। और ये हैं मेजर महेंद्र सिंह चौधरी, तो इनको भी मैं जय हिंद बोलूँगा, जय हिंद पंजाब रेजिमेंट से आते हैं भी। और भाई ये देखो ये पूरा यहाँ पे है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है
जिसकी सूरज सबसे पहले कदम उसी करता है। कि हम भारतीय सेना के जवानों की तरह ही जीवन है, जो जाने कितने विप्लवकारी सदियों के गलियारे लांग कर हम तक आए हैं। से 600 ईस्वी तक मोम मार्केटन के समर्थ शासन के अधीन हुआ करता था। खूब भला फूला था तब ये। फिर यहाँ की सरजमी पर धीरे धीरे तिब्बत और भूटान की हुकूमत काबिज हो गई। 1844 में ब्रिटिश यहाँ के हुक्मरान बन बैठे। ब्रिटिश इलाकों के बाजारी करने में माहिर थे। सिलसिले से भग चुके भारत अपनी आजादी की उन्मुक्त हवा में खुद को पुनर्गठित कर ही रहा था कि मौका परस चीन ने भारत पर हमला कर दिया। तब आजाद भारत की सैन्य शक्ति अपनी बाल्यावस्था में थी और चीनी हिंदुस्तान के बाबत ये भूल गए कि हिंदुस्तान वो मुल्क था जहाँ हक और हुकूक के लिए एक नन्ही चिड़िया भी बाज से लड़ने का मुंह था। अब तलक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। सेना और नूरी की रगों का लहू भी तेजाब सा उबलने लगा। वे भी अपनी जान की परवाह न कर उस समर्पण में कूद पड़े। जसवंत सिंह अपनी बंदूक से एक एक कर दुश्मन को बेजान करता रहा और जब जसवंत सिंह की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने निहत्ते ही चीनी फौज पर धावा बोल दिया। दुश्मन की मशीन गन अपने कब्जे में लेकर उनके ही असले से उस उतंग पहाड़ पर उनकी कब्र खोद दी। जसवंत सिंह के अदम्य साहस के आगे दुश्मन टिक न सके और 300 चीनी सैनिकों की लाश के रूप में अपनी पराजय का साक्ष्य छोड़ वे भाग गए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद बुरी तरह घायल जसवंत ने मृत्यु को इजाजत दी कि वो उसे अपने आगोश में ले। पराक्रम के इस विजय प्रदर्शन के लिए जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फाइनली यहाँ पे लाइट शो भी चलता है तो, और जिसका टिकट 50 रुपये पर्सन रहता है, लेकिन जो आर्मी के जवान सर हैं यहाँ पे, उन्होंने हमको फ्री में देखने दिया, तो सर को बहुत बहुत थैंक यू। और अभी हम आ चुके हैं और शो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखिए पुराने ज़माने का प्रोजेक्टर रखा हुआ है। तो फाइनली काफ़ी रात हो चुकी और शो हो चुका है ख़त्म। और तो भाई पूरा जो युद्ध हुआ था ना चाइना युद्ध, जसवंत जो आर्मी सर थे उनके बारे में पूरा बताया गया, तो सब हमने देखा, एकदम जुनून आ गया पूरा। और तभी और बता दें जो यहाँ से चाइना बॉर्डर है ना 30 किलोमीटर है बुमला, देखो यहाँ पे जो आर्मी वाले सर हैं उन्होंने, वैसे तो वहाँ हर कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ तुम पैदल नहीं जा सकते, उसके लिए गाड़ी लेना पड़ेगा और पैसा भी पे करना पड़ेगा, पास बनवाना पड़ता है उसके लिए अलग। लेकिन हमने यहाँ पे जो आर्मी वाले सर हैं उन्होंने हमको शायद वो कोशिश कर रहे हैं अपने जो ऑफिस जो मतलब क्या बोलते ऑफिसर जो उनके बड़े बड़े ऑफिसर है ना उनसे वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको नंबर भी दिया। देखो हो सकता है वो हमको फ्री करवा देंगे मतलब वहाँ बॉर्डर जाने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हो।